आज हम लोग जानेंगे कि आप लोग 5 लाख का डाउन पेमेंट करके महिंद्रा थॉर अपने घर ला सकते हैं, तो क्या मंथली जो भी टोटल अमाउंट बनेगा उसको हम लोग अलग अलग इंटरेस्ट रेट में डाल करके मंथली ईएमआई के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं महिंद्रा थॉर की ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो महिंद्रा थॉर का जो बेस मॉडल है, सबसे बेस मॉडल वो चल रहा है कुछ 16 लाख, रोड प्राइस के मैं बात कर रहा हूँ, वो चल रहा है 16,87,568 रुपये। तो यहाँ पे बात करी जाए कि अगर एक्स शोरूम प्राइस क्या पड़ रहा है इसका, तो एक्स शोरूम प्राइस पड़ रहा है 13,88,594 रुपये। और आरटीओ की बात करी जाए तो आरटीओ देखो अपने अलग अलग स्टेट में अलग अलग आरटीओ चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो मैंने दिल्ली का मैंने आरटीओ चार्ज लिया है, तो आप लोग जिस जगह रहते हो उस जगह के आरटीओ चार्ज चेक कर लीजिएगा। तो आरटीओ चार्ज लग रहा है 1,78,374 रुपये। इंश्योरेंस हम लोग का लग रहा है 91,639 रुपये। अदर्स लग रहे हैं 28,000। और ऑप्शनल ऑप्शनल में आप लोग को अगर आप ऐड करवाना चाहते हैं तो आप लोग को ऑप्शन मिलता है, तो ऐड पे जैसे क्लिक करेंगे तो रेट तुरंत बढ़ जाएंगे। ऑप्शन में थोड़े एसेसरीज थोड़े बढ़ा दिए जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो हम लोग ऑप्शन नहीं ऐड करते हैं। तब तो हम लोग की ऑन रोड प्राइस पड़ रही है 16,87,568 रुपये। तो यहाँ पे इसका टॉप मॉडल जान लेते हैं कि टॉप मॉडल तो ये मैंने अभी आपको जो प्राइस बताया ये ऑल का है। अगर आप लोग डीजल का लेते हैं तो आप लोग को अलग प्राइस पड़ेगा। तो कुछ डीजल का आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सेम प्राइस पड़ रहा है। अगर आप लोग पेट्रोल का लेते हैं तो थोड़ा प्राइस आप लोग को माइनस हो जाएगा। तो मैंने आप लोग को डीजल प्राइस दिखाया है, तो डीजल प्राइस में आप लोग का जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है ऑन रोड प्राइस 16,87,578 रुपये। और पेट्रोल का अगर हम लोग लेते हैं महिंद्रा थॉर को, तो वो हम लोग की पड़ती है 15,98,343 रुपये। तो मैं डीजल का लेकर के चल रहा हूँ यार। तो यहाँ पे इसका जो टॉप मॉडल है, तो टॉप मॉडल हम लोग दिए इसका डीजल वाला देख लेते, तो वो हम लोग का कुछ पड़ रहा है 19 लाख इसका 19,42,983 रुपये हम लोग का ऑन रोड प्राइस पड़ रहा है। ये है हम लोग का LX4 STR हार्ड टॉप डीजल 80 डीजल टॉप मॉडल। तो ये हम लोग का टॉप मॉडल 19 लाख में कुछ पड़ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि अगर आप लोग 5 लाख की डाउन पेमेंट करके, मतलब कि 10 लाख की हम लोग की मंथली ईएमआई, हम लोग 10 लाख का हम लोग लोन लेना चाहते हैं, 10 लाख का फाइनेंस करवाना चाहते हैं, वो भी 5 सालों के लिए, तो हम लोग की मंथली ईएमआई क्या बनेगी। तो मैंने डाउन पेमेंट मैंने 5 लाख सेलेक्ट किया। तो चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। यहाँ पे आप लोग को इसकी लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, जिससे आप लोग भी अपना लोन अमाउंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे आप लोग को 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। तो कार लोन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करते हैं 10 लाख, यहाँ पे आप लोग को ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। और इंटरेस्ट रेट के लिए हम लोग चलते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे बैंक के इंटरेस्ट रेट रखे हुए हैं, तो हम लोग 2-4 बैंक के इंटरेस्ट रेट डाल करके देख लेंगे कि मंथली ईएमआई क्या बनेगी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जैसे हम लोग को लोन चाहिए तो वहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 7.20, तो 7 पॉइंट, और हम लोग बैक करते हैं तो इसका डाल लेते हैं 7.20, तो हम लोग फिलअप कर लेते हैं। इसमें आप लोग को 7.20 मैंने इंटरेस्ट रेट डाल लिया, वो भी 5 सालों के लिए। तो जो हम लोग की मंथली ईएमआई बन के आएगी वो बन के आएगी 19,896 रुपये। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। तो हम लोग की जो मंथली ईएमआई बन के आई 19,896 रुपये। टोटल पे इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है 5 सालों में 10 लाख के अमाउंट पर, वो देना पड़ रहा है 1,93,742 रुपये। टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ रही है वो करनी पड़ रही है 11,93,742 रुपये। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रिंसिपल, यहाँ पे आप लोग सर्कल वाले ग्राफ से देख सकते हैं 83% आप लोग को लोन अमाउंट पेड करना है पड़ रहा है, और 62% आप लोग को टोटल इंटरेस्ट पेड करना पड़ रहा है। इस ईएमआई कैलकुलेटर में आप लोग को मंथली मंथली ईएमआई का पूरा चार्ट देखने को मिल जाता है। जितने साल के लिए आप लोग अपनी ईएमआई लेते हैं, मतलब कि जितने साल के लिए आप लोग लोन लेते हैं उतने सालों का आप लोग को एक चार्ट बनकर के आ जाता है। 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, आप लोग जितने साल के लिए लोन लेते हैं उतने साल का चार्ट बन जाता है, जिसको आप लोग प्रिंट भी करवा सकते हैं और पीडीएफ बना करके अपने लंबे समय तक सेव कर सकते हैं। 2022 का आप लोग को अलग अलग इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट 1,13,528 रुपये और इंटरेस्ट रेट 45,637 रुपये, और टोटल पेमेंट कितनी पड़ेगी 2022 में 1,59,165 रुपये। इसी तरीके अगर आप लोग को पता लगाना है कि 2022 के जुलाई में हम लोग की मंथली ईएमआई कितनी जाएगी, तो आप लोग बता सकते हैं 14,062 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट, 5,832 रुपये इंटरेस्ट रेट, तो 19,895 रुपये हम लोग की मंथली ईएमआई जाएगी। इसी तरीके आप लोग को मैं हर एक बैंक का बता दे रहा हूँ,
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आप 7% पे लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आप लोग की मंथली ईएमआई बनेगी 19,801 रुपये। अगर आप लोग पीएनबी बैंक से लेना चाहते हैं तो पीएनबी बैंक का कार लोन का इंटरेस्ट रेट 7.90% से रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप लोग को कार लोन देता है, जिसमें आप लोग की मंथली ईएमआई बनेगी 20,228 रुपये। इसी जगह अगर आप आईसीआईसीआई बैंक से लेते हैं तो ये आप लोग को 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से देता है, जिसमें आप लोग की मंथली ईएमआई बनेगी 20,758 रुपये। इसी जगह अगर आप बैंक ऑफ इंडिया से लेना चाहते हैं तो आप लोग की बनेगी 9.25% से रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप लोग को कार लोन मिलेगा, तो जिसमें आप लोग की मंथली ईएमआई बनेगी 20,889 रुपये। अगर HDFC से लेते हैं, ये आपको 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन प्रोवाइड करता है, जिसमें आप लोग की मंथली ईएमआई बनेगी 20,236 रुपये 76 रुपये। तो आप लोग को देख सकते हैं अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, तो जिसमें आप लोग की अलग अलग मंथली ईएमआई बन रही है। तो यह आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पहले ही लगा रखा था 10 लाख के कार लोन पर 5 साल की मंथली ईएमआई। तो ये आप लोग देख सकते हैं, पूरे बैंकों का मैंने आप लोग को डिटेल बता दिया है। तो ये अलग अलग बैंकों का अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, तो अलग अलग हम लोग की मंथली ईएमआई बनेगी। तो आई होप आप लोग पता चल गया होगा, अगर आप 10 लाख का कार लोन लेते हैं, वो भी थार के लिए, महिंद्रा थॉर के लिए, तो आप लोग की जो मंथली ईएमआई बनेगी वो भी मैंने कैलकुलेट करके बता दिया है। और अगर आप 5 लाख का डाउन पेमेंट करते हैं तब, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा।